भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच टकराव साफ नजर आ रहा है। दरअसल सीपीआई के महासचिव सीताराम येचुरी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के साथ किसी भी तरह से गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया। इसके साथ ही बंगाल में अब इंडिया गठबंधन के तीनों दलों के लिए 2024 की लड़ाई से पहले साथ आना मुश्किल हो गया है। सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा अगले साल होने वाले चुनाव में सीपीआई के साथ अपना गठबंधन जोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसे में संभावना है कि लोकसभा चुनाव में बंगाल में सीपीआई और कांग्रेस टीएमसी के साथ कोई समझौता ना करे। सूत्रों ने ये भी कहा कि कांग्रेस और वाम मोर्चा अपना गठबंधन जारी रख सकते हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी के बने रहने की संभावना काफी कम होती नजर आ रही है। येचुरी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के बैनर तले राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ लड़ना जारी रखेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं आपसे अधिकांश को जानता हूँ। हमें आप में से कई लोगों से प्रतिक्रिया पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि टीएमसी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ लेफ्ट कैसे खड़ा हो सकता है। हम भी यही मानते हैं, टीएमसी भाजपा का विकल्प नहीं है और ना ही हो सकती है। जब अवसर आता है तो टीएमसी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और भाजपा के साथ समझौता कर लेती है। उन्होंने पहले भी ऐसा किया है और भविष्य में भी ऐसा कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि लेफ्ट इंडिया गठबंधन में क्यों है। इसका जवाब देते हुए येचुरी ने कहा कि हमें भाजपा को सत्ता से बेदखल करना होगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी भ्रष्ट, जन विरोधी और लोकतंत्र विरोधी पार्टी है। बंगाल में लोकतांत्रिक चुनाव की अवधारणा नष्ट हो गई है। हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा, हमें लोगों तक पहुंचना होगा। आरएसएस और भाजपा की राजनीति और वैचारिक परियोजना को हराने के पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सीपीआई के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि येचुरी ने आगामी लोकसभा चुनाव में टीएमसी के साथ चुनावी समझौते की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। इससे हमें अपने कार्यकर्ताओं और पश्चिम बंगाल के लोगों को ये समझाने में मदद मिलेगी कि हम पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी दोनों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कांग्रेस नेताओं का एक वर्ग भी येचुरी की टिप्पणी से खुश है क्योंकि वो टीएमसी के साथ किसी भी तरह के चुनावी समझौते के खिलाफ है। कांग्रेस नेता कौस्तवा बागची ने पार्टी आलाकमान को पत्र लिखकर टीएमसी के साथ किसी भी गठबंधन का विरोध किया है।